नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं चला रहा हूँ UPNHM ANM स्टाफनर्स 2020 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 तक मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वीडियो में जाके आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं आज ही उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट वैसे मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, बट उसमें दो तीन वीडियोज़ हैं अलग से, जितने भी हैं सारे वीडियो एक ही फोल्डर में एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो ANM स्टाफनर्स दोनों के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सब मिक्स किए हुए थे। ANM और स्टाफनर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ध्यान में रखते हुए ही सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ। इसलिए दोनों लोगों के लिए, दोनों के लिए ANM स्टाफनर्स दोनों के लिए वीडियोज़ हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और जिस टाइप्स के क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं अपलोड कर रहा हूँ वैसे ही आते हैं। मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप देखते हैं। तो सबसे पहला है, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और कभी कभी ये पूछा जाता है कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका 46, और क्रोमोसोम्स का काम होता है कि वो अपने पेरेंट्स से अपने माता पिता के जो गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं, वो अगली जनरेशन में इसी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपके क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। और BCG का टीका है, क्या है BCG का टीका, ये लाइव एटोनेटेड वैक्सीन है, यानी जीवित छिड़ीकृत, मतलब इसका मतलब ये है कि लाइव यानी कि जो होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी वैक्सीन्स लाइव होते हैं, तो मतलब बैक्टीरियाज जो होते हैं वो लाइव होते हैं, बट वो क्या होते हैं, छिड़ीकृत, यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब उनको वीक वीक कर दिया जाता है, वीक कंडीशन में होती है, और वही जब वैक्सीन दी जाती है तो बॉडी में एक जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट, जिससे कि हमें वो उस डिजीज से बच जाते हैं। अगर माना कोई भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, इन्फेक्टेड होती है बॉडी, तो उसके खिलाफ ये जो वैक्सीन है एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें उस बीमारी से हम बच जाते हैं। तो ये होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन BCG, और इसका फुल फॉर्म जैसा कि है बैसिलस क्लेमिटीयुरिन, इसका फुल फॉर्म है, और ये तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जाता है और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद इस वैक्सीन को दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है BCG से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो आपके हेल्थ एंड प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे AL मुदलियार। तो ये एक तरीके से कहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जो भी कर रहा हूँ अभी कुछ सेपरेट वीडियो में डालूंगा और ये मोस्टली सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, किस उम्र के शिशुओं को नवजात माना जाता है, किस उम्र के शिशुओं को न्यू बॉर्न बेबी माना जाता है। तो 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को न्यू बॉर्न माना जाता है, न्यूली बॉर्न बच्चे कहते हैं उन्हें, नवजात शिशु कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद बच्चे को कौन सी दवा दी जाती है। तो वन सेकेंड, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद बच्चे को दी जाती है पैरासीटामोल, ओके, पैरासीटामोल दी जाती है। और अगर बात पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। पेंटावैक्सीन्स जो है वो 5 बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है, एक तो हो गया डिप्थीरिया और दूसरी
काली खांसी जिसे कि हीमोफिलस पर्टुसिस भी कहते हैं, और ये किस किससे होता है, बर्डुटेला पर्टुसिस करके होता है, उससे ये इन्फेक्टेड होने पे काली खांसी हो जाती है। एंड नेक्स्ट है टिटनेस, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और हिपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो ये पांच डिजीज होते हैं, ये इसके लिए दी जाती है, और पेंटा में ये पांचों इंक्लूड होते हैं वैक्सीन्स। और बात करें कि इसको हम कैसे, इसका कब दिया जाता है इसे, ठीक है, तो फर्स्ट डोज जो है 6 सप्ताह में दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट डोज 6 सप्ताह में दी जाती है, और सेकेंड डोज 10 सप्ताह में दी जाती है, और थर्ड डोज दी जाती है 14 सप्ताह में। ओके, फर्स्ट 6 सप्ताह और सेकेंड 10 सप्ताह, और थर्ड जो है 14 सप्ताह में दी जाती है आपकी पेंटा वैक्सीन। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं थायराइड। थायराइड ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथ हमारे गर्दन के अगले हिस्से में, अगले भाग में स्थित होती है, और ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करती है। और इसकी इससे दो जुड़ी हुई खास बीमारियां जिन्हें आपने सुना ही होगा, तो ये एक तो है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है। ओके, आपके जो हाइपो हाइपोथायराइड है उसमें सिक्रेशन कम होता है, एंड हाइपर में क्या होता है, थायरोक्सिन का श्रावण ज़्यादा होता है। और थायरोक्सिन को आपको ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे कि इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और ये इसमें बॉडी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को टेम्परेचर पे भी, तापमान पे भी एक नियंत्रण रखती है, और बाकी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करती है। एंड ये थायराइड जो ग्रंथि है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हो गई इससे जुड़ी हुई कुछ बात। और नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का पहला डोज 6 सप्ताह में दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी डिटेल्स में थोड़ा बताया भी। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है शिशु के जन्म के समय कितना वजन कम होने पर कंगारू मदर केयर की सलाह दी जाती है। कंगारू मदर केयर यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे KMC। ओके, शिशु के जन्म के समय कितना वजन होने पर कंगारू मदर केयर की सलाह दी जाती है? तो ये 2.5 किलो से, यानी कि आपका 2.5 किलो से, 2.5 kg से अगर कम वेट का बेबी होता है तो उसको KMC की सलाह दी जाती है, जिसमें कि बच्चे को माँ अपने बॉडी के पास बिल्कुल चिपका के रखती है, सीने के पास, जिससे कि उसकी गर्मी जो है बॉडी की वो उसको भी मिल सके। इससे उसका बच्चे का बच्चे के वेट में भी वेट भी गेन करता है, और उसको मतलब उसे काफ़ी अच्छा जो है उसकी बॉडी को अच्छा रिस्पांस मिलता है। एंड ये बेसिकली जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, ठीक है, या तो कम वेट का बच्चा होगा या फिर प्री मेच्योर बेबी होंगे, जो करीब 37 वीक से पहले के आसपास जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनको ये KMC, उनको KMC को सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है ICU में प्रवेश करने के पहले कितने मिनट तक हाथ धोना है, मतलब ICU यानी आपका ICU में एंटर करने से पहले कितने मिनट तक हाथ धोना, ये 2 मिनट्स का। एंड नेक्स्ट हमारा है कौन सी झिल्ली फेफड़े को चारों ओर से घेरे रहती है। तो लंग्स को कौन सी मेम्ब्रेन चारों ओर से घेरे रहती है, ये है प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को चारों ओर से घेरे रहती है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चे को अधिकांश समय के लिए माँ के पास रखने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
ये रूमिंग इन कहा जाता है। बच्चे को अधिकांश समय के लिए माँ के पास रखने को क्या कहा जाता है? रूमिंग इन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, कंगारू मदर केयर की न्यूनतम अवधि कितनी है? यानी कंगारू में मदर केयर की न्यूनतम, यानी बच्चे को लगभग 1 घंटा तो ज़रूर रखना चाहिए। न्यूनतम अवधि का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप मैक्सिमम जो भी 6 या 7 घंटे तक रख सकते हैं, मिनिमम 1 घंटे से कम केएमसी बिल्कुल देनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 घंटे से कम दोगे तो वह इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो न्यूनतम अवधि यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसकी जो न्यूनतम अवधि होगी 1 आवर होगी। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है, खसरे के साथ दिया जाने वाला दूसरा सप्लीमेंट क्या है? मीजल्स के साथ, जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है जो कि बच्चे को 9 मंथ में दी जाती है, तो उसके साथ क्या दिया जाता है? विटामिन ए, जो कि रतौंधी से बचाव करता है, जीरोप्थैल्मिया। एंड नेक्स्ट हमारा है, जन्म के तत्काल बाद कौन सा टीका दिया जाता है? तो जन्म के तत्काल बाद कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ये है BCG एंड OPV, यानी कि BCG यानी बेसिलस स्क्लेरोमेटिक यूरिन, पहले मैंने आपको बताया भी। एंड नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। एंड मम्स का संक्रमण काल किस माध्यम से होता है? मम्प्स का संक्रमण काल, मम्प्स का इन्फेक्शन किस माध्यम से होता है? तो मम्प्स का इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, बिंदुक संक्रमण। यहाँ पे बिंदुक संक्रमण का मतलब ये है कि जब ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स का मतलब कोई बूंद या कुछ, जैसे आप खांसते हैं या छींकते हैं कुछ करते हैं, तो एक एक ड्रॉप के रूप में हमारे मुँह से या नाक से जो निकलते हैं, छोटे से क्या कह सकते हैं, छोटे से बिंदु, या आप छोटे से कह सकते हैं ड्रॉप टाइप का, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, बिंदुक संक्रमण। और तो इसका इन्फेक्शन मम्प्स का, यानी कि मम्प्स जिसे कि हिंदी में गलसुआ कहते हैं, तो उससे होता है, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट ये बात बता दूं आपको कि जब आप एग्ज़ाम देते हो या तो क्या होता है वहाँ पे पेपर, इसमें जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 को, तो मेरे कई जानने वाले लोगों ने दिया था, फैमिली में और कुछ और लोग थे, तो वो उन्होंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आता है, और मुझे, मैंने पता भी किया था। तो उसमें क्या होता है कि जो हिंदी होती है वो हिंदी थोड़ा माना टफ हिंदी लिखी होती है, थोड़ा जैसे क्लिष्ट हिंदी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बिंदुक संक्रमण। तो अगर आप इंग्लिश नहीं देखोगे, ओके, अगर आपको इंग्लिश नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए मैं अपने क्वेश्चंस में इंग्लिश और हिंदी को उसमें दोनों इंक्लूड किए रहता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता कि बिंदुक संक्रमण, तो काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या है, लेकिन ड्रॉप तो आप समझ रहे होंगे, ड्रॉप मतलब किसी चीज़ की बूंद। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे, माने तो आपको, अगर सपोज दैट आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में देख सकते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दोनों आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, एमटीपी एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो एमटीपी एक्ट आया था आपका 1971। अच्छा, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एंड ये कब हुआ था? 1971 में। एंड नेक्स्ट हमारा है, मानव में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? मानव में फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब पे। ओके, तो यहाँ पे ओवम से स्पर्म जहाँ पे मिलता है तो वो है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, ईडीडी की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है? तो ईडीडी का फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट,
एंड इसका जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है नीगल्स रूल है, और इसमें ये ईडीडी में एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी कि जो लास्ट आपका जो ये मासिक धर्म होता है उसका फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इसको कैलकुलेट करके आपकी जो डिलीवरी डेट है वो निकाली जाती है, और इसका फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एंड नेक्स्ट हमारा है ओस्टियोपोरोसिस डिजीज। ओस्टियोपोरोसिस डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। एंड इसमें क्या होता है कि ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज होता है, और उस टाइम उसके बाद जो है बॉडी में कैल्शियम की डिफिशेंसी होने लगती है, इसलिए मोस्टली कई महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। एंड नेक्स्ट हमारा है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, एक विटामिन है और उसका उसको क्या विटामिन सी है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि विटामिन सी किस रूप में सहायक है। तो विटामिन सी आपको बॉडी में जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन में ये था कि घाव को भरने में सहायक, तो हाँ ये इट्स राइट, ये घाव भरने में सहायक है। और विटामिन सी जो है संतरे जो फ्रूट जूसी फ्रूट्स हैं जो रसदार फल हैं उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक कम करते हैं, अब अगर सपोज दैट हमारे इस चैनल पे या इस वीडियो में सपोज दैट अगर 5,000 6,000 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1,500 या 2,000 लोगों को तो लाइक करना चाहिए। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, बस लाइक प्रेस ही तो करना है, तो मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर आप ऐसी वीडियोज़ और पाना चाहते हैं और चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी आती हैं आप देखना चाहते हैं पाना चाहते हैं बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए जिससे कि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं अपलोड करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अभी आप अच्छे से लगे रहिए, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप करिए, बट थोड़ा सा क्या होता है एक रिस्पेक्टेड तरीके में करिए। सपोज दैट अभी मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करा हूँ तो एक दो क्वेश्चन कहीं टाइपिंग मिस्टेक या बोलने में कभी कभी रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी आना गलती से निकल गया, तो आप अच्छे से एक रिस्पेक्टेड वे में कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा और मैं इसको अपनी गलतियों को ज़रूर सुधारा, मैं हर समय इस बात के लिए तैयार रहता हूँ कि कोई मुझे गलतियाँ बताए और मैं उसमें सुधार करूँ, बस तरीका एक सम्मानित तरीका होना चाहिए, गलत तरीके से आप ना कमेंट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।